वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ अर्चना। कैसे हैं आप सब लोग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रथ यात्रा। रथ यात्रा उड़ीसा का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है। जिन लोगों को पता नहीं है, मैं बता दूं कि प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एंड सुभद्रा माँ अपने रथ में बैठ के अपने मौसी के घर जाते हैं। तो इसी त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से उड़ीसा में मनाया जाता है। पुरी में जो एक धाम है, चार धाम में से एक धाम पुरी धाम में मनाया जाता है। अभी तो आजकल दुनिया भर में ही ये त्यौहार मनाया जाता है, तो सबको ही पता है। तो जैसे कि मैंने कल बताया था, आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी खाने पे। तो सोच रही हूँ डिनर पे ही बनाऊँ, क्योंकि लंच में फिर कौन खाएगा? कोई भी तो मतलब विश्रुत आएंगे रात को तो ही खाएंगे, तो रात को ही बनाऊँगी। तो जब बेबी स्कूल से आके सो जाएंगे तभी बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। अभी मुझे थोड़ा कुछ काम है, मेरी एक फ्रेंड आएगी, तो बेबीज़ को स्कूल छोड़ने के बाद, हनी बनी को स्कूल छोड़ने के बाद फिर हम थोड़ा बातें करेंगे, उसके बाद ही मैं खाना बना जो बनाना होगा वो बनाऊँगी। बस हनी बनी के लिए थोड़ा सा बना दूँगी। सो बस यही है, मैं सुबह आज हनी बनी, पता नहीं मैंने कल क्या बोल दिया कि संडे से हम लोग सुबह जल्दी उठेंगे, पता नहीं आज वो सुबह 8 बजे से उठ के बैठे हैं, 9 बजे नहा लिया है तो खाना भी खा लिया है, तो अभी खेल रहे हैं। अभी 10:30 हुआ है, अभी और टाइम है आधा घंटा बस को आने में। तो मैं सोच रही हूँ उनको थोड़ा नीचे लेके जाऊँ, मैं देखूँ नीचे वाले हमारे सुपरमार्केट में अगर फूल मिलेगा तो, क्योंकि फूल नहीं मिला, हम लोग कल गए थे तो फूल नहीं मिला था। तो देखती हूँ, मगर होगा तो मैं लेके आऊँगी, टाइम है तो जाती हूँ, थोड़ा हनी बनी से मिला दूँ आप लोगों को। डुगू से सी, डुगू कम हियर, से हाय, डुगू से हैप्पी रथ यात्रा, हैप्पी रथ यात्रा, डुगू से हैप्पी रथ यात्रा, ये राउंड राउंड से हैप्पी रथ यात्रा, से हैप्पी रथ यात्रा, हैप्पी रथ यात्रा, जय जगन्नाथ, से जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बॉल इज फ्लाइंग, जय जगन्नाथ। क्या देख रहे हो, उनका भी मस्ती चालू है, तो मैं भी इनको लेके जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। यस बेबी, कैंडी 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 खाई, फूल नहीं मिला, कैंडी लेके आ गए, कैंडी खाई, फिर जय जगन्नाथ। तो चलिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे डालमा बनाऊंगी। ये देखिए डालमा के लिए मैंने कितनी सारी सब्जियाँ ली है, परवल है, कैरेट है, मूली है, कच्चा केला है, पम्पकिन है, देन बीन्स है, बहुत सारी सब्जियाँ ली है। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, आपकी जो मर्जी आप वही सब्जी ले सकते हैं, करेला को छोड़ के बस। एंड ये सब्जियां मैं ऐड कर रही हूँ, इसमें बस मूंग दाल ऐड कर दूंगी, इसमें नमक और हल्दी डाल के, टमाटर डाल के इसको सीटी लगाने के लिए बिठा देंगे कुकर में। सो जब तक मेरे कुकर में सीटी आ रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे एक पैन में घी लिया है। तो यहाँ पे हम एक सब्जी बनाएंगे जो पूरी मंदिर में भोग लगाया जाता है, इसको बेसर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही सारी सब्जियाँ ली है, बस एक्स्ट्रा इसमें मैंने अरबी ऐड किया है, अरबी जिसको उड़िया में सारू बोलते हैं। तो इसको बस थोड़ा सा घी के साथ में फ्राई कर लेंगे। एंड यहाँ पे मैंने मस्टर्ड सीड करीब 2-4 चम्मच एंड 2 चम्मच जीरा सीड एंड 2 इंच के अदरक मैंने लिया है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, उसका पेस्ट बना लेंगे हम। एंड ये सब्जी मेरा हल्का सा बस भून जाए, इसमें मैंने हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, नमक ऐड करेंगे एंड इसको मिक्स कर लेंगे। वो जो पेस्ट बना है उसका मैं आधा यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, आधा मैं बाकी जो सब्जियाँ हैं उसमें यूज़ करूँगी। तो वो उसको अच्छे से हम करीब 1 मिनट के आसपास भून लेंगे।
देन यहाँ पे मैं करीब 1 कप के आसपास पानी ऐड करूँगी एंड इसको ढक के हम सब्जियों को पकने के लिए छोड़ देंगे। करीब 20 मिनट के बाद ये देखिए मेरे जो सब्जी में जो पानी था वो सूख गया है एंड सब्जियाँ भी गल गई हैं। इसी स्टेज पे मैं ग्रेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ, इसको भी अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। एंड साथ ही साथ ये वाली जो सब्जी हल्की सी मीठी होती है, हल्की सी बस मीठी, तो इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ का पाउडर, जैगरी पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपके पास जैगरी पाउडर ना हो तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, करीब 1 चम्मच की चीनी ऐड कर देना आप। देन दूसरी तरफ मैंने तड़का पैन लिया है, उसमें 1 चम्मच घी ऐड किया है एंड जो उड़द दाल के जो बड़ी होते हैं वो मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, उसको साइड में रख दूँगी। सेम पैन में 1 और चम्मच घी लिया है, इसमें हम लोग सूखी चिली, जो रेड चिली, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड वो ऐड करेंगे एंड करी पत्ता ऐड करेंगे। बस हमारा तड़का रेडी है, सब्जी में हम इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए सब्जी में तड़का ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे मैं बड़ी ऐड करना भूल गई थी जो कि मैंने बाद में ऐड किया है। ये वाली जो सब्जी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप खुद देख सकते हैं कितनी सारी सब्जियां हैं एंड बिल्कुल भी तीखा नहीं है, नारियल भी डाला है इसमें, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप इसको बच्चों को भी खिला सकते हैं एंड कितना सुंदर दिख भी रहा है। एंड यहाँ पे मेरा दालमा भी बन गया है, मतलब सीटी आ गया है कुकर में। तो मैंने यहाँ पे वही तड़के पैन में 2 चम्मच के आसपास देसी घी लिया है, उसमें मैंने रेड चिली ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, करी पत्ता एंड करीब 1 इंच के अदरक को मैंने ग्रेट कर दिया है, उसको ऐड कर दूंगी। एंड जैसे ही बस जिंजर थोड़ा सा भुन जाए उसको हम डालमा में ऐड कर देंगे। एंड इसमें मैं थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमिन एंड रेड चिल्ली का जो पाउडर बना के रखती हूँ मैं वो ऐड कर रही हूँ। देन सेम पैन को मैंने धो लिया है, इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, उसमें 1 रेड चिल्ली, थोड़ा सा पंचफूरन एंड ड्रम स्टिक मैंने काट के रखे थे वो ऐड कर दूंगी। उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, बस ऐड करके उसको थोड़ा सॉटे कर लेंगे। करीब 1 मिनट के आसपास भुनने के बाद मैंने वो जो मस्टर्ड सीड, जीरा एंड जिंजर का जो पेस्ट बनाया था, जो मैंने आधा रखा था, उससे 1 स्पून इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ढक के करीब 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ड्रमस्टिक भी पक जाए अच्छे से। पे डालमा में मैं थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट जो है वो काफ़ी एनहांस हो जाता है। जब तक मेरा ड्रमस्टिक बन रहा है मैंने यहाँ पे एक और पैन लिया है, उसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, देन मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर, करी पत्ता ऐड करेंगे एंड जो पेस्ट बनाया था मस्टर्ड सीड, जीरा एंड अदरक का, वो पेस्ट में करीब 2 चम्मच के आसपास ऐड कर दूंगी एंड इसको अच्छे से भून लेंगे। एंड ये मैं जो ड्राई मैंगो होता है उसका एक चटनी टाइप का बना रही हूँ, रायता टाइप का ही बोल सकते हैं, दही ऐड करेंगे हम इसमें। तो वो ड्राई मैंगो को मैंने ओवरनाइट पानी में सोक करके रख दिया था, ये देखिए, ताकि वो सॉफ़्ट हो जाए। तो सारे जो ड्राई मैंगो है मैंने ऐड कर दिया है एंड उसमें करीब 1/4 कप पानी ऐड किया है। उसमें बस टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे एंड ये थोड़ा सा मीठा होता है, मतलब मीठा, खट्टा, नमकीन तीनों का फ्लेवर आता है। तो मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए चीनी जब मेल्ट हो जाए, उसमें बॉयल आने लगे, फिर इसमें मैं ग्रेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ। ये मंदिर टाइप का खाना बन रहा है तो इसमें सारे सब्जियों में मोस्टली कोकोनट और देसी घी, और मैंने प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है। तो चीनी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम लगा था तो मैं और थोड़ा सा चीनी ऐड की हूँ यहाँ पे। बस मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी एंड यहाँ मैंने दही को बीट करके रखा था वो ऐड कर रही हूँ। गैस मैंने ऑफ कर दिया ताकि दही जो है वो फट ना जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे करीब
2 मिनट के आसपास। एंड दूसरी तरफ मेरे जो ड्रम स्टिक है वो बन के रेडी है, ये पूरा ड्राई ही बनता है एंड खाने में लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है यहाँ पे, एंड ये देखिए मेरे दही में जो है वो बॉयल आ गया है एंड ड्रम स्टिक भी बन के रेडी है। तो जैसे ही बॉयल आ जाए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ग्रेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ, मुझे थोड़ा कम लगा था। ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी है एंड इसको आप बना के फ्रिज में 3-4 दिन तक आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही सेम कढ़ाई ली है, उसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, थोड़ा सा पंचफोरन, थोड़ा सा रेड चिल्ली एंड करी पत्ता। परवल को मैंने लंबा लंबा काट दिया है, उसमें बस नमक और हल्दी डाल के इसको ढक के हम पका लेंगे। एंड ये मेरा जो आंबुलों का जो राई बोलते हैं, आंबुलो राई, आप इसको आंबुलों की चटनी या ड्राई मैंगो चटनी बोल सकते हैं। तो इसमें तड़का लगाने के लिए मैंने थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, रेड चिल्ली, मस्टर्ड सीड लिया है, बस इसमें तड़का लगा देंगे एंड ये रेडी है खाने के लिए। यहाँ पे मैंने और एक पैन लिया है, उसमें मैंने घी ऐड किया है एंड राइस मैंने ऑलरेडी बना लिया था, तो उसी राइस को मैं घी में ऐड कर रही हूँ ताकि राइस में थोड़ा सा घी का फ्लेवर आ जाए। एंड मंदिर के खाने में भोग प्रसाद में घी का फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए घी राइस भी ये बन जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, करीब 2-3 मिनट तक इसको भून लेंगे। एंड यहाँ पे मेरे परवल जो है वो बॉयल हो गए हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा वही रोस्टेड जीरा एंड रेड चिल्ली का पाउडर ऐड करके बस ये रेडी है। ये देखिए पे मैंने वही सेम कढ़ाई ली है, इसको मैं बार बार धो के यूज़ कर रही हूँ ताकि ज़्यादा बर्तन ना हो, क्योंकि इतना सारा खाना बनाने में फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ा सा पंचफोरन और थोड़ा सा गार्लिक यूज़ किया है एंड यहाँ पे साग ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा नमक ऐड करके बस इसको पका लेंगे। बस यही एक रेसिपी है जिसमें मैंने गार्लिक यूज़ किया है, बाकी किसी में मैंने अनियन गार्लिक का यूज़ नहीं किया है। साग बनने में बहुत कम टाइम लेता है, इसलिए मैं खाने से पहले इसको बना रही हूँ ताकि गर्मा गर्म साग गर्मा गर्म खाने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड करीब 2 मिनट के बाद ये देखिए साग बहुत कम हो गया है एंड पक भी गया है एंड ये रेडी टू सर्व है। ओके, यू आर गिविंग चॉकलेट टू एवरीवन। ओके, से जय जगन्नाथ। चॉकलेट खाई? चॉकलेट खाई? नो, नोबडी वांट्स चॉकलेट, यू ईट। किस? किस? ओके, किस, गिव किस, एवरीवन वांट्स किस। आउ आउ आउ। केले के पत्ते में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए यम्मी सा डिनर बनाना लिफ में। सो इतना सारा यम्मी यम्मी खाना देखने के बाद मुझसे और रजिस्ट नहीं हुआ और मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। एंड विश्वजीत की हमेशा आदत है कि पहला जो निवाला है वो हमेशा मुझे खिलाते हैं, देन वो खाते हैं। ये जो हमारा ट्रेडिशन है ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, मतलब शादी के बाद से ही चलता आ रहा है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो
कभी भी बाय चांस रेयरली अगर वो भूल जाते हैं तो फिर मैं उनको ऐसे देखती हूँ, फिर उनको याद आ जाता है और वो मुझे पहले खिलाते हैं फिर वो खाते हैं। एवरीवन, सो आज है नेक्स्ट डे एंड ये वाला ब्लॉग मैं कल से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि दुबई में आज ही रथ यात्रा सेलिब्रेट होगा। मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स जो भी होता है फ्राइडे ही ये लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि सबके लिए थोड़ा इजी हो, कंफर्टेबल हो। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं रथ यात्रा के लिए एंड बहुत कम हमें ट्रेडिशनल पहनने को मिलता है तो इसलिए हमने सबने आज ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है। बनी से मिला दे, बनी ये देखो न्यू कुर्ता, से न्यू कुर्ता, यस कुर्ता। ओके हनी से मिला दे, व्हाट यू डूइंग कुर्ता। हनी हनी लुक हियर, लुक हियर, हु इज दिस? सी हनी, हनी से हाय, से हाय। हम लोग रेडी है जाने के लिए, फिर मैं वहां पे जाके एक दो क्लिप लूंगी, हम आपको दिखाऊंगी कि दुबई में कैसे रथ यात्रा सेलिब्रेट होता है। एंड विश्वजीत आ जा, जय जय हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको वहीं पे। फिर रथ यात्रा देखने के लिए हमारे घर के पास में ही है, ये मीना बाजार में सिंधी हॉल में वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे रोड में रथ, हाँ इंडोर रथ यात्रा सेलिब्रेट करते हैं, रोड पे ऐसे ओपन आउटसाइड नहीं होता है, इंडोर हॉल में ही रथ यात्रा सेलिब्रेट होता है। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आपको रथ यात्रा।
गाइस वी आर बैक फ्रॉम रथ यात्रा. बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था एंड वहाँ पे प्रसाद सेवन का भी अरेंजमेंट था. बट हनी बनी थोड़ा सा क्रैंकी हो रहे थे. हम लोग वापस आ गए, घर पे ही कुछ खा लेंगे. लेकिन मुझे वहाँ का जो प्रसाद बहुत ज़्यादा पसंद है. सो एनी वे नेक्स्ट ईयर खा लेंगे. एंड वहाँ पे मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली, लीजा नाम है उनका. वो रिसेंटली शारजा शिफ्ट हुए हैं. बहुत अच्छा लगा आपसे लीजा जी मिलके. सो बस यही है, हम लोग बस अभी खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, देन शाम को कहीं बाहर निकलेंगे. तो विद दिस आई एंड टुडेस ब्लॉग. होप यू हैव एंजॉयड एंड होप यू हैव लाइक्ड दुबई रथ यात्रा सेलिब्रेशन. सो सी यू ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय.